देश भर से आए दिन जातीय उत्पीड़न की खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर हमारे अंदर की आत्मा एकदम हिल जाती है। लेकिन नफरत से भरे जातिवादी गुंडों को बिल्कुल शर्म नहीं आती है। ताज़ा मामला राजस्थान के बाड़मेर जिले से सामने आया है, जहां पर कुछ जातिवादी श्रवण समाज के गुंडों ने एक ऐसी समाज की बुजुर्ग महिला के शव को दफनाने के 3 दिन बाद जेसीबी से खोद कर निकाल लिया और उसके घर फेंक दिया, यह कहते हुए कि इसे अपनी ज़मीन में गाड़ दो। हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था जीते जी तो भेदभाव और घृणा से भरी हुई है, लेकिन कुछ श्रवण समाज के लोग उनकी मौत के बाद भी इस कदर नफरत करते हैं। जाहिर है, मानवता को शर्मसार करने वाली ऐसी घटना एक सभ्य समाज और इंसानियत पर कलंक है। दरअसल पूरा मामला बाड़मेर जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर रामसर का कुआ गांव का है, जहां पर एक ऐसी वर्ग 90 साल की अड़सी देवी का 27 जून को निधन हो गया था, जिसके बाद परिजनों और समाज के लोगों ने गांव के ही सार्वजनिक शमशान घाट की 4 दीवारी के पास उसको दफना दिया था। यह बात गांव के कुछ श्रवणों को नागवार गुजरी और उन्होंने उस परिवार के लोगों को धमका कर ये फरमान सुना दिया कि आप इस सब को कब्र से निकाल कर वापस अपने घर ले जाओ, नहीं तो आपका हुक्का पानी बंद कर देंगे। 3 दिन तक चले इस मामले में पीड़ित परिवार ने प्रशासन को भी सूचना दी थी, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की और गुरुवार शाम को गांव के दबंगों ने जेसीबी मशीन से कब्र खोद कर मिट्टी समेत सब को ट्रैक्टर में लोड करवा दिया। इस दौरान सवर्णों ने पीड़ित परिवार को कहा कि अब अपने घर में ले जाकर इसे गाड़ दो। पूरे मामले की बाड़मेर जिले के मुखिया, जिला कलेक्टर लोकबंधु और उपकंड अधिकारी समुद्र सिंह भाटी को भी इस सूचना के बावजूद भी ऐसी वर्ग की एक नहीं सुनी गई, कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद देर रात अड़सी देवी के परिवार वालों ने शव को अपने खेत में ही वापस अंतिम संस्कार। और इस तरह जातिवादी गुंडों ने अपने धर्म और वर्ण व्यवस्था की रक्षा की। ये है असली चरित्र खुद को सभ्य समाज कहने वाले इन मनुवादियों का। ऐसे में महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इस तरह की घटनाओं में सरकार और प्रशासन सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करता है, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। आखिर सिस्टम, सरकार और समाज बहुजनों के प्रति इतना संवेदनहीन क्यों है? शासन प्रशासन को ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करके नज़ीर पेश करनी चाहिए, ताकि ऐसा अमानवीय और मानवता को शर्मसार करने वाला कृत्य कोई और ना कर सके। तो इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया, नमस्कार।